अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन पराठा रोल बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए हमें 200 ग्राम मुर्गी लेनी है। ये इस तरीके की मुर्गी के पीस होने चाहिए, ठीक है। अच्छी तरीके से साफ़ करने हैं और इस तरीके के छोटे छोटे पीस होने चाहिए। अगर आप बड़े पीस करना चाहते हो तो ठीक है, आपको जिस तरह अच्छा लगे। अब मैं बनाना बता रही हूँ इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी है। काली मिर्चें, असबे जायका हमने लिए, ज़ीरा है, असबे जायका है, गरम मसाला असबे जायका लिया है, लहसुन का पाउडर है आधी चम्मच, अदरक का पाउडर है, असबे जायका हल्दी है, एक चम्मच ज़ीरा पाउडर है, एक चम्मच लाल पीसी हुई मिर्च का पाउडर है और दो चम्मच हमने तिक्का बोटी मसाले के लिए है, असबे जायका नमक है। अब ये सारी चीज़ें हमें इसमें शामिल करनी है। दही है, इसमें हम 4 चम्मच दही का शामिल करेंगे। मुर्गी को हम आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमने इसमें मसाला अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए किसी चीज़ से ढक कर रख देंगे। मसाला मुर्गी में मिलाकर रख दिया है, तब हम आटा गूंदेंगे, जिसके लिए हमें 2 प्याली मैदे की हमें लेनी है और 1/2 चम्मच नमक इसमें शामिल करना है, 1 चम्मच तेल के हम इसमें शामिल करेंगे। हमने आटा गूंद लिया है, अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, ठीक है। हमने 10 मिनट के लिए मसाला जो मिलाकर रखा था, अब तेल हमने असबे जायका तेल इसमें शामिल किया है। ये मसाला हम इसमें फ्राई कर रहे हैं। आँच हमें दरमियानी आँच पे पकाना है और इसे मसाले को और मुर्गी को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। बोटी अच्छी तरीके से गल गई है, पक गई है और मसाला भी अच्छे तरीके से इसमें आपस में मिल गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल रहे हैं। हमने आटा गूंद कर रखा था, 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे खुश्क आटा से छान देंगे और अब हम पराठा बनाएंगे। कितने ही साइज़ का हमें पराठा बनाना है, अगर हम साइज़ ज़्यादा बड़ी करेंगे तो रोटी के साइज़ की हो जाएगी, ठीक है ना। दरमियानी साइज़ में हमें बनाना है। तेल देखें, मैंने इस पे तवे पर लगा दिया है, ठीक है, हल्का सा। अब हम पराठा इस पर रख रहे हैं पकाने के लिए और आँच दरमियानी रखनी है, फुल आँच नहीं रखनी है और ज़्यादा ऐसे नहीं पकाना है, नॉर्मल पकाना है। अब ये देखिए हल्के हल्के बबल आ रहे हैं, अब हम इसकी करवट चेंज करेंगे। इस तरीके से हल्का सा सेक देकर हल्की आँच पे पकाना है, ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं पकाना है। पराठा है, पराठा तैयार हो गया था। हमने जो मुर्गी मसाला बनाया था, मुर्गी फ्राई की थी, वो अब हम इसमें रोल के इसके ऊपर इसे रखते जाएंगे। पुदीना, मैंने असबे जायके पुदीने के पत्ते लिए थे, एक हरी मिर्च ली थी, उसे ग्राइंड किया है और दही मिलाया है, हल्का सा असबे जायका नमक मिलाया है। ये तो चटनी हर किसी को घर में बनानी आती होगी, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। ये चटनी हमने साइड पर भी लगाई है और बीच में जो हमने चिकन रखे हैं उसके ऊपर भी हमने चटनी डाली है। अब हम ये इसके ऊपर प्याज ऐसे इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। ये प्याज हमने काटी है, ये रखी है, गोभी के छोटे छोटे पीसेस बनाए हैं, ये इस पर रखे। आईने से ये हमें इस पर इस तरीके से इसमें शामिल करना है। इसमें केचप भी शामिल किया है, आप चाहें तो केचप ज़रूर इस्तेमाल करना, बहुत अच्छे रोल बनेंगे और अच्छा जायका आएगा और खाने में भी मज़ा आएगा। ज़ाहिर है इतनी मेहनत करते हैं तो अच्छी चीज़ बनाएंगे तो अच्छा सब खाने में टेस्ट आएगा। अब हम इसे इस तरीके से रोल को फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो लीजिए जनाब, देखें चिकन रोल तैयार हमने कर लिया है, मज़ेदार और टेस्टी, बहुत अच्छा है। हमारी ये रेसिपी आप ज़रूर बनाना और हमारे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।